तो गाइज़ अगर आप भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपना पूरा जो भी एसेटीज़ आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करना है, चाहे मैं बात करूँ कॉन्टेक्ट नंबर से लेके फ़ोटो वीडियोस पीडीएफ वो सारी चीज़ जो आपके इम्पोर्टेंट है, तो आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है, चाहे आप अगर अपने फ़ोन को रीसेट कर रहे हो तो डाटा जो ट्रांसफ़र करना होता है, तो इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस एप्लीकेशन की मदद से वो सारी चीज़ें 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप वो प्रोसेस फॉलो करके 15 से 20 मिनट में अपना जो डेटा है ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितनी से बड़ी भी फाइल है। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्लोनिट एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, और जो छोटी बड़ी परमिशन है गाइज उसे अलाउ कर देना है आपको, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको बस यही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस फ़ोन से आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है उसे सेंड करना है, और जिस फ़ोन में रिसीव करना है उसमें आपको रिसीव करना होगा, ठीक है। जो परमिशन उसे अलाउ कर लीजिए, उसके बाद में आपको क्या पूछा जाएगा, जिस फ़ोन से आप सेंड करना चाहते हो उसका लोकेशन ऑन होना चाहिए, एज इट इज़ दोनों ही फ़ोन का जो लोकेशन है वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप सेंड पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन जो है उसे आप अलाउ कर लीजिए। नीचे में आप देख पाओगे सर्च का ऑप्शन आता है, नीचे में सर्च अगेन कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों डिवाइस कनेक्शन होगा, और मैं आपको बता दूँ अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो एक ओल्ड वर्जन आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूँगा क्लोनिट की, ओल्ड वर्जन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, प्ले स्टोर से थोड़ा वेट लग सकता है, हालांकि यहाँ पे जो मेरा ओल्ड वर्जन पहले से था उससे मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परमिशन अलाउ कर लेना है और जो स्कैनर है उसे स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन मैं कर लेता हूँ, आपको छोटी मोटी परमिशन होती है एक दो स्टेप की, उसे अलाउ करते ही आपको पूछा जाएगा कि आप अपने नए फ़ोन में क्या क्या लेना चाहते हो, तो कॉन्टेक्ट फ़ोटो वीडियोस मेन तो कॉन्टेक्ट होता है गाइज, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सी एप्लीकेशन है जो कॉन्टेक्ट शेयर नहीं करती, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन से कॉन्टेक्ट भी शेयर कर सकते हो। गाइज वीडियो पसंद आता है एक लाइक ज़रूर करना।